सरकार भी तो इन लोगों ने बनाई है, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। एक हिंदू ने हिंदू की बेटियों के साथ शोषण किया, कहाँ चली गई हिंदूगिरी? जब हम लोगों पर एट्रोसिटी होती थी, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होते थे, मारा जाता था, पीटा जाता है, आज भी होता है, तो ये लोग कभी हमारे समर्थन में खड़े तक नहीं हुए। पहले दलित, फिर मुस्लिम, अब इनका नंबर लगा। ये इस देश के अंदर जब तक जाति और धर्म है, जब तक इस देश के अंदर राजनीति मजबूत रहेगी। जिस दिन इस देश के अंदर जाति खत्म होगी और धर्म खत्म होगी, जिस दिन धर्म या जाति खत्म होगी, उसी दिन ये देश तरक्की की ओर होगा। तो इन बच्चियों के साथ शोषण किया है, यो तो सबसे बड़ा राम रहीम था, यो कौन था? यो विष्णु था क्या? उसके कृष्ण था, यो कृष्ण था क्या? जब तक इस देश के अंदर संविधान है और जब तक इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी जिंदे, हिंदू राष्ट्र तो छोड़ो, हिंदू गाँव भी नहीं बना सकते। इस देश के अंदर जिस दिन मंदिरों को ढवा दिया जाएगा, उस दिन इस देश की तरक्की हो जाएगी। सरकार भी तो इन लोगों ने बनाई है, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हम तो भुगत चुके हैं। हमने तो 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद करके इस सरकार को धूल चटाने का काम भी किया। ठीक, अपने जब इन्होंने SC ST एक्ट में संशोधन चेंज करने की बात कही थी, तो हमने तो अपना हक और अधिकार छीन लिया। अब इनकी बारी देख रहे हैं। हमारे SC समाज पे या SC ST पे कभी भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हमें किसी अन्य समाज का कभी समर्थन नहीं मिला, लेकिन हमारे अपने बहुजन समाज के लोगों का ये बहुत बड़ा दिल है दलित समाज का, कि हर किसी के दुख दर्द में खड़े हो जाते हैं। तो नेशनल भीम आर्मी जो आज इन पीड़ित बहनों के लिए जो महिला पहलवान है, हम केवल जाति या धर्म या किसी के डर से या किसी के कहवे में नहीं आए, हम आए तो केवल मानवता के हिसाब से आए। लेकिन आपके समर्थन में कभी आए नहीं ये लोग? मैं वही तो कहना चाह रहा भाई, ये लोग कभी नहीं आए। हमारा आने का उद्देश्य, अगर ये बेटियां ना होती तो हम कतई नहीं आते। आपकी बेटियों के समर्थन में आते हैं ये? नहीं, ये कभी नहीं आए, लेकिन देखेंगे इनके अंदर इंसानियत जागेगी नहीं जागेगी। और इस सरकार को बनाने वाले भी यही है जो कह रहे हैं कि इस सरकार को हमने तो BJP को अच्छे से बनाया था, हमारी कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी। जब हम लोगों पर एट्रोसिटी होती थी, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होते थे, मारा जाता था, पीटा जाता है, आज भी होता है, तो ये लोग कभी हमारे समर्थन में खड़े तक नहीं हुए। लेकिन ये हमारे हमारे बाबा साहब, हमारा संविधान जो देगी पूरे देश को, और हमें जो हम जो बताए हुए उनके रास्तों पर जो चल रहे हैं, उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी ये कहा था, मानव मानव एक समर। हम मानवता के हिसाब से आए हैं, हम एक बेटियों के समर्थन में आए हैं, ना कि इनके समर्थन में आए हैं। लेकिन आपकी बेटी भी रही है, हाथरस की बेटी जी, लखीमपुर की बेटियां जी, गोहाना हरियाणा की बेटियां जी, मिर्चपुर की बेटियां जी, ये तो जो है आंदोलन कर रहे हैं पिछले 15-16 दिन से जी, ये तो वहाँ आरोपी थे, यही लोग पूरा समर्थन में आ गए हैं। देखो, समर्थन में आने हम बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात, वे देश का गौरव है, ये लड़कियां बेचारी देश का गौरव, वे बेटियां भी हमारी देश का गौरव है। फर्क क्या है, इनका जो ये फाइनेंशियली मजबूत ये लोग हैं, बेटी के साथ क्यों नहीं लगते ये लोग? दलित बेटियों के साथ आना चाहिए ना। मैं इन्हें नसीहत देना चाहता हूँ, जब आपके आंदोलन में ये दलित समाज इकट्ठा हो जाता है, तो आपका भी फर्ज है कि अगर कल को किसी दलित बेटी के साथ कोई हत्या या बलात्कार होता है, तो आपके भी आने की जिम्मेदारी है। हमने सिर्फ एक शुरुआत की है, अगर इन्होंने आगे को हमारा साथ दिया तो हम इनके साथ खड़े, अगर हमारा साथ नहीं खड़े हुए तो हम जिंदगी में इनका साथ नहीं देंगे। 16 दिन हो गए हैं, लेकिन ब्रजभूषण की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है पॉक्सो एक्ट में भी जी। देखो, ब्रजभूषण का मामला ऐसा है, ब्रजभूषण सत्ता का आदमी है और गोंडा का सांसद है, माफिया है बहुत बड़ा, तो सीधी सी बात है, ये तानाशाही है सरकार की, खुली तानाशाही है, और सरकार ने भी ना आईना दिखा दिया। अब तक ये मेरे भाई जितने भी किसान भाई है, ये सोचते थे कि दलित समाज के साथ अत्याचार हो सके, अब इन्हें महसूस हो रहा होगा कि सबका नंबर लगेगा, पहले दलित, फिर मुस्लिम, अब इनका नंबर लगा। लेकिन जो ये पीड़िताएं हैं, जिस समाज से आती हैं, जिनकी रेजिमेंट भी है, ये आर्थिक रूप से मजबूत है, सामाजिक तौर पर मजबूत है, ये पहलवान भी है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं या आरोपी हैं, वो नहीं डर रहे इनसे? वो डरेंगे क्यों? वो सत्ता में है, सत्ता के नशे में है, तो डरेंगे क्यों? बनाने वाले भी तो यही लोग है, ये फंडिंग नहीं देते क्या? सरकार को फंडिंग नहीं दिया इन्होंने, उस फंडिंग का तो रिजल्ट है। पंचायत में बड़ी बड़ी इनकी, तो कहां पंचायत धरी रह गई? पंचायत कहां चली गई? पंचायत इनकी बताओ, पंचायत है कहां? तो फिर पंचायत किसके लिए है वो? ये पंचायत बहन बेटियों के सम्मान के लिए है बस, अगर ये बहन बेटी ना होती और देश का गौरव ना होता तो कोई नहीं आता इनके साथ। क्यों नहीं आ रही पंचायत? दबाव क्यों नहीं बना पा रही? जिस तरह गांव में दबदबा रहता है उनका, जैसे टिकैत कहते हैं, जो जाटों का मसीहा माना जाता है, वो भी अब जो है पंचायत कर रहे हैं ब्रजभूषण के पक्ष में, समर्थन में कर रहे हैं, तो सिद्धि से बात, अपनी बिरादरी को हर कोई बचावे है। तो जाति की लड़ाई हो गई है, अब ये जातिगत पर, ये सरकार जातिगत पर बना देगी। ये इस देश के अंदर जब तक जाति और धर्म है, जब तक इस देश के अंदर राजनीति मजबूत रहेगी। जिस दिन इस देश के अंदर जाति खत्म होगी और धर्म खत्म होगी, जिस दिन धर्म या जाति खत्म होगी, उसी दिन ये देश तरक्की की ओर होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस देश के अंदर
अगर हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो ये बात सच्चाई है, आरएसएस की नीति है, आरएसएस की नीति है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हम मानते हैं 85%, लेकिन इन लोगों की मानसिकता जो ओबीसी समाज के लोग हैं, अब इन पर शोषण हो गया शुरू, अब इनका दिमाग ठीक होगा। हिंदुओं की बेटी है, हिंदू ही अब जो इसमें जो अत्याचार कर रहे हैं। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ओबीसी समाज या जिनकी बेटियां, वो हिंदू कह में रह गए? एक हिंदू ने हिंदू के साथ रेप कर दिया, एक हिंदू ने हिंदू की बेटियों के साथ शोषण किया, कहां चली गई हिंदूगिरी? अब तो बन गया ये कि जाट समुदाय किसान की बेटी। यदि ब्रजभूषण मुस्लिम होते तो फिर क्या होता? अब लोग तो उसके मकान डुबा देते, एनकाउंटर में मार देते, तो आतंकवादी बना देते, कोई दलित होता उसे नक्सलाइट बना देते, और उसके घर तो घर, उसके जितने भी लगद लगाते सबको सफा कर लेती है सरकार। ये सच्चाई। कुलदीप सेंगर विधायक थे बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, उनके लिए भी पंचायत होती थी, कहते थे कि हमारा विधायक निर्दोष है, ऐसे अब कह रहे कि हमारा ब्रजभूषण निर्दोष है, पंचायत कर रहे हैं उनकी जाति के लोग। जैसे रेगर बच गया ऐसे ही बच निकलेगा, ध्यान रखियो, खूब रुक के ताल लो। अब तो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, जैसा अतीक का हुआ, जैसा अतीक अहमद का हुआ। लेकिन ये तो कानून की जो है धज्जिया उड़ाना ना। लेकिन वो लोगों को तो नजर आ रहा कि गुंडा था, माफिया मार दिया, दिखाओ इसे नहीं गुंडा बताओ। नासिर का ये खा भी तो समर्थन कर रही थी, उसके अपराधी के मोनू मारने इस भर के। हाँ, इन्होंने किया समर्थन कर तो गलत क्या है? ये तो परंपरा। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अतीक अहमद को लोकतंत्र की हत्या करके उसकी हत्या कर दी गई, तो मेन चीज मैं अतीक अहमद के समर्थन में नहीं हूँ। वही गुंडा था, ठीक मरा, लेकिन मरना चाहिए था लोकतांत्रिक तरीके से। जो कानून है, जेले है, वो सब चीजें है भाई, संविधान में सब चीजें लिखी हुई है। ऐसे नहीं कि तुम खुलेआम किसी को गोली मारो। मारा कह रहे कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। अजी के घंटा ब्रह्मा मसना महेश, यो तो यो राम रहीम था भाई, जिन्हें यो इन बच्चियों के साथ शोषण किया है, यो तो सबसे बड़ा राम रहीम था। यो कौन था? यो विष्णु था क्या? उसके तो कृष्ण था, यो कृष्ण था क्या? वो भी तो जाट ही है, है? वो भी जाट है। हाँ। जो यो ब्रजभूषण है? नहीं, राम रहीम जाट। अरे यो ब्रजभूषण ठाकुर है ना। हाँ। तो ठाकुर और जाटों का क्या बुरा, ये तो आपस में एक दूसरे को मान लें ना, तो दिक्कत दलित से है। अच्छा। हाँ, तो अब दलित फिर भी इनके साथ है भाई, चलो भाई, बहन बेटियों के सम्मान की बात है, हम केवल मानवता के हिसाब से और बहन बेटियों के सम्मान के लिए आए। जी हाँ, इनके एक चीज बताऊँ, जब तक इस देश के अंदर संविधान है और जब तक इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी जिंदे, हिंदू राष्ट्र तो छोड़ दो, हिंदू गांव भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्यों बना लेंगे? कहाँ बना दिया? कहाँ बनाया? विदेश में तो बना सके, इस देश में बनावे ना। धीरेन्द्र शास्त्री पे तो भाग्य था, अभी भाग्य संविधान छोड़ के जब संगठन के लोग पहुंचे तो भाग्य छोड़ गए। 16 दिन हो गए हैं आंदोलन को, कुछ सफलता मिलती नहीं दिख रही है। देखो सफलता क्या है, सरकार को पता, रुक के तारे गए, थोड़े दिन हाथ पैर पिटे गए, फिर मामले को दबा दिया जाएगा। क्या जात की राजनीति हो गई यहाँ पे शुरू? यहाँ पे जातिगत के आधार पर ही कार्य शुरू किया जा रहा है। ब्रजभूषण के पक्ष में आज 60-84 की पंचायत हो रही है हापुड़ में। हापुड़ में हो रही होगी ना। हाँ। तो ठाकुर को ठाकुर बचाएगा ना भाई, ठाकुर को ठाकुर। और ठाकुर ने कभी जाट समुदाय को अपना मानना ही नहीं। बेटे को कौन बचाएगा? बेटे को तो हमारे तुम्हारे पे ठेका दे रखा, लेकिन नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो इनका पंडा है, बेटी बचाओ नहीं, बेटी बेटी पढ़ाओ, और ये चल रहा है। मोदी जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या जी? मोदी जी तो कह रहे हैं सब बेटियां हैं हमारी, है पूरे देश की बेटियां। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वे कहते हैं कि बेटियां पूरे देश की अमानत है। जब ये बेचारी गोल्ड मेडल जीत कर आती है तो छाती से लगाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है। अब सीना चौड़ा कहाँ चला गया माननीय प्रधानमंत्री जी का? क्यों नहीं उस जिन्हें जो शोषण किया है उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? योगी जी पैर पूछते हैं बेटियों को कन्या जब वो आते हैं नवरात्र, वो दिखावे के लिए है। नवरात्रों में तो पूछेगा, वो दिखावे के लिए, वोट ना चाहिए ना। अगर ये पैर ना पूछेगा तो वोट कहाँ से मिलेगी? भाजपा का है मेन चीज आरोपी। एक चीज बताइए, जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप पकड़े जाते हैं ना, तो बच्चा तो उन्हीं का है भाई, माननीय प्रधानमंत्री का तो बच्चा है। हाथ को ही उड़ा दो, क्योंकि पूरे शरीर को ही खराब कर देगा, या तो उंगली को काट दो। लोग कहते हैं बीजेपी संस्कारी पार्टी है, कहाँ घंटा संस्कार रहेगी? सबसे ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी में मिलेंगे, चाहे रेंगर हो चाहे ये हो, सबसे ज्यादा रेपिस्ट मिलेंगे। बहन बेटियों की बात करते हैं, बहन बेटियों को मनीषा वाल्मीकि की बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, लखीमपुर खीरी में लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, कहाँ चली गई? तो वोट कैसे मिलता है फिर इनको? वोट अब ईवीएम है, जब तक इस देश के अंदर ईवीएम रहेगा, मशीन राष्ट्र बन रहा है, मंदिर बना रहे हैं वो, काहे का बना रहे हैं? हिंदू राष्ट्र मंदिर नहीं बन रहा है, वोट मिलता है। अब मंदिर तो मंदिर बताऊं, इस देश के अंदर जिस दिन मंदिरों को ढवा दिया जाएगा उस दिन इस देश की तरक्की हो जाएगी। मंदिरों से कुछ नहीं होना, मंदिरों से भिखारी पैदा हो गए, स्कूलों से अधिकारी। कहां भगवान आ रहे?
भगवान खुद की सुरक्षा ना करते, लॉकडाउन में कोरोना काल में खुद मास्क लगवा लिया मुंह पे, कभी नंबर पड़ जा। अच्छा हाँ, नास्तिक हो? मैं तो तगड़े वाला भाई, मैं नास्तिक हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, हर आदमी स्वतंत्र है। मैं नहीं मानता, मेरा मन नहीं करता, बस मानना ना मानना, हर आदमी स्वतंत्र है।